इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि दोस्तों अगर आपके पास है आईटेल विजन 3 का मोबाइल तो उसमें आप दोस्तों खुद का व्हाट्सअप स्टिकर कैसे बना सकते हैं और फिर आप उसे अपने व्हाट्सअप में ऐड करके आप अपने फ्रेंड को कैसे भेज सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आईटेल विजन 3 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने पर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सोशल टर्बो का, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस सेटिंग में पहली बार आएंगे तो आपको एक स्टार्ट का बटन मिल जाएगा, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके का पेज आएगा। अब इसमें आपको नीचे आना है, तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टिकर मेकर का, स्टिकर मेकर पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट योर ऑन स्टिकर का, इस पर क्लिक करना है। और देखिए स्टिकर बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ ओपन गैलरी का ऑप्शन मिलता है, ओपन गैलरी पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ ऑल गैलरी पर क्लिक करके जस्ट वन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों देखिए आपका एक गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब स्टिकर बनाने के लिए यहाँ से आपको एक फ़ोटो को लेना है सिलेक्ट कर। चलिए दोस्तों हम यहाँ से एक फ़ोटो को लेते हैं, सिलेक्ट कर देंगे। फिर स्टिकर बनाने के लिए आपको यहाँ देखिए क्लिप का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लिप पर क्लिक करके आप चाहें तो अपने फ़ोन को फोटो को इस तरीके से काट सकते हैं, जितना भी काटना है काट दीजिए। फिर आप यहाँ डन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस स्टिकर पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगर आपको में कलर सेट करना है तो एक बार दोस्तों आपको यहाँ बैक बटन पर क्लिक करना होगा, तो आप यहाँ से इसका कलर चूज कर सकते हैं। चलिए मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इसका फॉन्ट स्टाइल सेट करना है तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं, जो भी रखना है तो वो आपको रख लेना है। फिर आपको यहाँ डन पर क्लिक कर देना है और जहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है वहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ डन पर देना है क्लिक कर, तो इसमें टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको इस स्टिकर में कटआउट लगाना है तो आप यहाँ कटआउट पर क्लिक करेंगे और जिस भी तरीके का दोस्तों कटआउट लगाना है वो कटआउट आप यहाँ पर दीजिए डाल, तो इसी तरीके से कटआउट डाल देना है। डाल देने के बाद आपको यहाँ सेव आइकॉन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ सेव आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो आपका एक स्टिकर बन जाएगा। अगर आपको इस स्टिकर का कोई नाम देना है तो नाम डाल देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं एक स्टिकर बन गया। लेकिन दोस्तों सिर्फ आप दोस्तों एक स्टिकर बनाकर आप इसे व्हाट्सएप में ऐड नहीं कर सकते हैं, कम से कम 3 स्टिकर बनाएंगे तब आप इसे व्हाट्सएप में ऐड कर पाएंगे। तो देखिए अब चलिए हम दोस्तों कोई दूसरा स्टिकर बनाते हैं। प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, ओपन गैलरी पर क्लिक करेंगे, ऑल गैलरी पर क्लिक करके जस्ट वन पर क्लिक करके यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट कर देंगे और क्लिप पर क्लिक करके हम यहाँ से इस दोस्तों फोटो को देंगे क्रॉप कर। फिर डन पर देंगे क्लिक कर, टेक्स्ट पर क्लिक करके जो टेक्स्ट लिखना होगा वो टेक्स्ट डाल देंगे। फिर हम यहाँ सेव आइकॉन पर क्लिक कर देंगे और जहाँ भी ऐड करना होगा वहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे और हमें इसमें कटआउट लगाना है तो कटआउट पर क्लिक करके जिस भी तरीके का कटआउट लगाना है तो वो कटआउट हम दोस्तों यहाँ पर देंगे डाल। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कटआउट लगा दिया। कटआउट लगा देने के बाद आपको यहाँ दोस्तों सेव आइकॉन पर देना है क्लिक कर और फिर आपको यहाँ सेव आइकॉन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका ये दूसरा व्हाट्सएप स्टिकर बन जाएगा। तो एक व्हाट्सएप स्टिकर और बनाना होगा ऐड करने के लिए। फिर प्लस आइकॉन पर हम क्लिक करते हैं, ओपन गैलरी पर क्लिक करते हैं, ऑल गैलरी पर क्लिक करके जस्ट वन पर क्लिक करके हम दोस्तों यहाँ से लेंगे एक दोस्तों फोटो को सिलेक्ट कर और फोटो सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से फोटो आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें इसे क्रॉप करना है तो हम दोस्तों क्लिप पर क्लिक करके हम यहाँ से दोस्तों फोटो को लेंगे क्रॉप कर और फिर हम यहाँ डन पर देंगे क्लिक कर। अगर हमें इसे टेक्स्ट लिखना होगा तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद सेव आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फिर सेव आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो इसमें टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और अगर हमें इसमें कटआउट लगाना है तो कटआउट पर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों जिस भी तरीके का कटआउट लगाना है तो वो कटआउट हम यहाँ पर दोस्तों देंगे सेट कर और सेट कर देने के बाद हम यहाँ दोस्तों डन पर देंगे क्लिक कर। फिर डन पर क्लिक करेंगे देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे फ़ोन में आप देख सकते हैं आप दोस्तों 3 स्टिकर बन चुका है। अब देखिए व्हाट्सअप में ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड टू व्हाट्सअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो और फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये स्टिकर आपके व्हाट्सअप में ऐड हो जाएगा। अब चलिए व्हाट्सअप में आप इसे अपने फ्रेंड के पास कैसे भेजेंगे, तो इसके लिए व्हाट्सअप में जाना है और अपने किसी एक फ्रेंड के चैट को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ स्टिकर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका द्वारा बनाया गया सभी स्टिकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि पहला वाला स्टिकर कौन था, तो मेरा पहला स्टिकर ये था, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो मैंने 3 और स्टिकर बनाया था तीनों स्टिकर आ जाएगा। अब जिस भी स्टिकर को सेंड करना है उस स्टिकर पर आपको क्लिक करना होगा तो वो स्टिकर आपके उस फ्रेंड के पास सेंड हो जाएगा। इस तरीके से आप दोस्तों खुद का व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हैं अपने दोस्तों आईटेल विजन 3 के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।